सो टुडे आवर टॉपिक इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर हम PID की बात करें सो दिस इज द अपर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन। होता ये है कि हमारे पास सर्विसाइटिस जैसे हैं वो लोअर जेनिटल ट्रैक में आता है, ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास पेल्विक लाइक PID है वो हमारे पास अपर जेनिटल ट्रैक में आता है, लाइक यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये कैसे जो है, कौन से बैक्टीरिया जो है PID काज करते हैं, तो हमारे पास जो है पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन में आता है, एंड देर इज नजीरिया गोनोरियाई एंड क्लैमिडिया। तो हमारे पास 1/3 ऑफ द केसेस बहुत इक्वली जो है ये PID को काज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो है डिसेंडिंग इन्फेक्शन है या असेंडिंग इन्फेक्शन है, तो दिस इज द असेंडिंग इन्फेक्शन, मीन्स कि नीचे से ऊपर जाता है। होता ही हुआ है कि हमारे पास लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये सर्विक्स है, तो होता ही हुआ कि यहाँ पर जो सर्विक्स है उसमें हमारे पास सर्विसाइटिस हो जाती है। जब सर्विसाइटिस हो जाती है तो होता ही है कि हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो असेंड करते हैं मजीद ऊपर की तरफ, और वो क्या करता है यूट्रस में इन्फेक्शन काज करता है। इन्फेक्शन काज करने के बाद वो क्या आ जाता है कि फ्लैपिन ट्यूब में जाता है। फ्लैपिन ट्यूब और यूट्रस में जब इन्फेक्शन काज करता है तो तब हम उसको बोलते हैं एक्यूट सेल्पिंगोफ्राइटिस। एक्यूट सेल्पिंगोफ्राइटिस के बाद जब इन्फेक्शन जो है नहीं क्योर होता, मीन्स कि कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते, तो अगर तो ट्रीटमेंट हो जाते तो ठीक है, वेल एंड गुड है। बट अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो क्या काज करता है कि वो क्रॉनिक PID काज करता है। क्रॉनिक PID में क्या होता है कि उसमें जो है हमारे पास स्कार्स अपेयर होते हैं। जब हमारे पास स्कार्स अपेयर होते हैं तो उसका मतलब ये है कि अब ये एक्यूट PID से क्या हो गया, क्रॉनिक PID में कन्वर्ट हो गया। अभी हम आगे जाके जो है डिफरेंस पढ़ेंगे एक्यूट और क्रॉनिक में के कौन से मेजरमेंट्स हैं जिनसे ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद क्रॉनिक PID के बाद हमारे पास जब स्कार्स यहाँ पर अपेयर हो जाते हैं, मीन्स की इन्फ्लेमेशन होती है उसके बाद स्कार्स हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ओवरी में सिस्ट हो रहा था, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबो ओवरियन अब्सेस। लाइक दिस इज द, यहाँ पर हमारे पास अब्सेस हो जाती है, और उसके बाद मीन्स स्कार के बाद जब हमारे पास अब्सेस हो जाए तो अब तब हम बोलते हैं TOA। तो हमारे पास जो है ये इस तरीके से जो है ये असेंडिंग ट्रैक इन्फेक्शन होता है कि कैसे नीचे से ऊपर जाता है और ओवरी में जाकर डिसेंड करता है। तो इस तरह जो है हमारे पास इस तरीके से असेंडिंग ट्रैक इन्फेक्शन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विसाइटिस, देन एक्यूट सेल्पिंगोफ्राइटिस, देन क्रॉनिक PID एंड देन TOA, जो कि वर्स्ट स्टेज होती है, जो कि उसमें अब जो है उसको थोड़ी सी सर्जरी की तरफ पेशेंट चला जाता है, तब हम उसको बोलते हैं TOA। नेक्स्ट हमारे पास 5 types ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि PID को कन्फर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बाइलेटरल पेन, सेकेंड वी हैव म्यूकोपोलर सर्वाइकल डिस्चार्ज, थर्ड वी हैव सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, फोर्थ वन वी हैव इंक्रीज WBC, एंड फिफ्थ वन इंक्रीज सेडिमेंटेशन रेट। तो ये 5 जो है हमारे पास PID को कन्फर्म करते हैं। सो जब कोई पेशेंट आता है तो हम उसको PID की तरफ लाते हुए ये जो भी है नॉर्मल क्वेश्चन जो हम करते हैं वो है हमारे पास कि आपको लोअर एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, सेकेंड वन उसका फीवर चेक करेंगे, थर्ड वन चील्स तो नहीं है, देन उसके पूछेंगे कि आपको मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस जो है, आपकी LMP क्या है, कब आते हैं, कितने आते हैं एंड ऑल दैट। देन हम उससे पूछेंगे आपको पुरुलर सर्वाइकल डिस्चार्ज तो नहीं है, जिसमें जो है यहाँ पर थोड़ी सी पस आती है और उससे और ये तकरीबन जो है येलोइश कलर का होता है जो कि डिस्चार्ज होता है। एग्जामिन भी जो है हम असेंडिंग तरीके से करेंगे, मीन्स कि सर्वाइकल जो है यहाँ पर पुरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज ठीक है क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद जो है हम यहाँ पर ऊपर साइड पे फ्लैपिंग ट्यूब की टेंडरनेस पे आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एडिनेक्सल टेंडरनेस। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो अटैचमेंट्स होती हैं, ओवरीज होती हैं, फ्लैपिंग ट्यूब होती हैं, लिगामेंट्स होती हैं, ये सारे क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी हार्डनिंग हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एडिनेक्सल टेंडरनेस। उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक और जो एग्जामिन है जो कि इस तरीके से किया जाता है, तो होता ही है उसको बोलते हैं सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। होता ही है कि हमारे पास जब हम जो है इसके अंदर एग्जामिन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो इफेक्टेड जो फ्लैपियन ट्यूब होगी, कोई भी इफेक्टेड जब मींस कि अगर ये स्वेलन है तो अगर ये इफेक्टेड फ्लैपियन ट्यूब होगी तो वो जो है ऊपर से पेल्पेट हो जाती है, और इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड में भी वो शो हो जाती है। तो हमारे पास ये एक किस्म की, और जो अनइन्फेक्टेड है मींस कि अब ये अनइन्फेक्टेड हुई तो ये जो है पेल्पेट नहीं होगी और इसकी जो थिकनिंग है और इन्फ्लेमेशन है वो अल्ट्रासाउंड में शो नहीं होगी, जिसको हम बोलते हैं चैंडेलियर साइन। तो ये हमारे पास जो है मोस्टली हिस्ट्री टेकिंग क्वेश्चन आते हैं, थिकनिंग और डायलेशन ऑफ द फ्लैपियन ट्यूब, फ्लूइड इन द कल्डीसैक एंड मल्टीसिस्टिक ओवरी नजर आती है, और ट्यूब ओवरिन अब्सेस नजर आता है, मींस के हमारे पास जो यहाँ पर TOA हमने पढ़ा था वो नजर आता है, और मल्टीसिस्टिक ओवरी नजर आती है और कल्डीसैक नजर आता है। पाउच ऑफ डॉगल्स को बोलते हैं, जो कि हमारे पास जो है यहाँ पर यूट्रस और रेक्टम के बीच में पड़ा होता है इधर, तो ये हमारे पास कल्डीसैक होता है। ये जो है हम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और इन सबसे डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा
हम WBC चेक करते हैं, ठीक है, अगर तो वो हो गए ज्यादा तो उसके बाद जो है उसको हम क्या करते हैं कि PID में काउंट हो जाता है। उसके बाद जो है SDR, हमने देखा कि सेडिमेंटेशन रेट, वो भी जो है चेक करते हैं। उसके अलावा जो है मोस्टली हम BHCG को भी रूल आउट करते हैं, BHCG को भी रूल आउट करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, लाइक कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना। और PID जो है मोस्टली जो उसका जो पेन है वो रेफर करता है डिफरेंट अदर डिजीज को। तो हम क्वेश्चन जो है अक्सर पूछते हैं कि मीन्स को रूल आउट करते हैं अपेंडिसाइटिस को, रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट को करते हैं, ओवेरियन टॉर्जन अब्सेस को करते हैं, फिर उसके बाद जो है PID जो है उसको कि PID की वजह से वो पेन है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इस पेल्विक पेन जो है हमारे पास, लोअर पेल्विक पेन जो हमने देखा था अभी, तो ये सब डिजीज जो है उसको पेल्विक पेन में काज करती है। तो इसलिए हम जो है अदर्स को रूल आउट करेंगे के टू कंफर्मिंग द PID। तो आफ्टर डायग्नोस वी कंफर्म दैट दिस पेशेंट हैव PID। और इसके अलावा जो है दूसरे CT स्कैन भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम जो है कल्चर्स के लिए भी भेज सकते हैं, लाइक विच बैक्टीरिया काज इज द मेन PID। और उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट के लिए होता है क्या कि हम जो है फ़ौरन ही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया, मीन्स कि हम रिजल्ट जो कल्चर का रिजल्ट है उसका वेट नहीं करते, फौरन जो है उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे लगा देते हैं। और जो उसके हमें हमने देखा था कि मल्टी सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से भी होता है, तो उसके जितने भी आज सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनको भी एग्जामिन करेंगे कि कहीं उसको लाइक STD तो नहीं है, और उसके जो है उनको तो ये डिजीज नहीं है, तो वो जो है उसको भी ट्रीट करेंगे अप्रोप्रिएटली। तो हमारे पास जो आउट पेशेंट रिजाइम्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रिजाइम है वो है रिजाइम ए, उसमें जो है ऑफ्लॉक्सासिन देते हैं, मीन्स के जो हमारे पास सेकंड जनरेशन है क्लास फ्लोरोकाइनोलोन्स की। उसके बाद जो है वो 14 डेज के लिए देते हैं, ठीक हो गया। जो तीनों की तीनों है ना, वो तीनों ही 14 डेज हैं, जितनी भी हम यहाँ पर इसकी जितनी भी डेज एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो वो 14 डेज तक है उनका ट्रीटमेंट। और उसमें जो है मेट्रोनिडाजोल जो है ऐड कर देंगे, ठीक है, किसी पेशेंट में ऐड कर देते हैं, किसी पेशेंट में ऐड नहीं करते। होता है यूँ है कि जो जब हम किसी को मेट्रोनिडाजोल ऐड करते हैं तो वो क्या होता है कि डायसल्फ्राम लाइक रिएक्शन काज करता है, अगर वो पेशेंट जाके अल्कोहल ले लेता है या वो अल्कोहलिक है, मीन्स के डायसल्फ्राम लाइक रिएक्शन, डायसल्फिराम जो है एक ओरल ड्रग है जो कि अल्कोहलिज्म पेशेंट को दी जाती है, तो इस रिएक्शन की वजह से जो मेट्रोनिडाजोल को थोड़ा हम कंसिडर करते हैं कि लेनी है या नहीं लेनी। देन उसके बाद हमारे पास रिजाइम बी है, उसमें जो है हमारे पास जो है सेप्राजोन जो है इंट्रामस्कुलर देते हैं, जो कि हमारे पास सिफेलोस्पोरिन की थर्ड जनरेशन में आती है। तो इधर हमने दी थी सेकंड जनरेशन, इधर हमने हमने दी है थर्ड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एंटीबायोटिक्स दिए क्यों? एंटीबायोटिक्स जो है हम जो है बैक्टीरिया उसको किल करने के लिए दे रहे हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए दे रहे हैं, उसके प्रोटीन की जो सेंथेसिस है उसको कम करने के लिए दे रहे हैं, उसकी जो ट्रांसलेशन हो रही है उसको इनहिबिट करें। एंड ऑल दैट एंटीबायोटिक्स आर फॉर द पर्पज ऑफ द किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया। जो हमारे पास दो थे, क्लैमिडिया और एंड गोनोरियाए, और इसके जो है एंडोजीनस अरोब्स एंड एनरोब्स, तो उसके लिए दे रहे हैं। तो सेप्राजोन जो इंट्रामस्कुलर देंगे और 1 डोज, और उसको 14 डेज के लिए देंगे विद डॉक्सिसिलिन। डॉक्सिसिलिन के साथ जो है हम इसको देते हैं सेप्ट्राजोन इंट्रामस्कुलर 1 डोज, और उसको विद क्या देते हैं? डॉक्सिसिलिन। डॉक्सिसिलिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास टेट्रासाइक्लिन जो है सेकंड जनरेशन में आती है, हमारे पास ये हमारे पास सेकंड जनरेशन में है रिजाइम बी। जो सेप्ट्राजोन हमारे पास थी वो थर्ड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन और सेकंड हमारे पास जो इसको कंबाइन करके देते हैं 14 डेज के लिए, ठीक हो गया, और विद और विदाउट मेट्रोनिडाजोल 14 डेज। तो ये हमारे पास थी रिजाइम बी। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वी हैव इन पेशेंट एंटीबायोटिक रिजाइम्स। इन पेशेंट जो हमारे पास होता है ना, वो तब होता है जब हमारे पास डायग्नोस अनसर्टेन होता है, और जब हमारे पास एब्सेस हो रहा होता है, उसका जो फीवर है वो हाई हो रहा होता है, और इसके बाद जो है TOA में पेशेंट चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इन पेशेंट एंटीबायोटिक रिजाइम देते हैं। सेफोक्सिटीन जो है और सेफोटेटन प्लस डॉक्सिक्लिन जो है 14 डेज के लिए देते हैं। हमारे पास जो सेफोक्सिटीन है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, मीन्स के सेकंड जनरेशन जो है हमारे पास इसकी सेफोक्सिटीन की देते हैं हम उसको। और इसके अलावा जो हमारे पास डॉक्सिसिलिन है वो टेट्रासाइक्लिन की सेकंड जनरेशन में आती है, तो हमारे पास सेकंड जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंबाइन करके जो है इसको देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लिंडामाइसिन है प्लस जेंटामाइसिन है, तो ये हम जो है इसको मोस्टली क्लिंडामाइसिन प्लस जेंटामाइसिन जो 14 डेज के लिए, ये मोस्टली जो है TOA पेशेंट के लिए होती है जिनमें ओवेरियन अब्सेस हो जाती है। तो इसके अलावा जब है अगर इससे भी ट्रीट नहीं हो रहा, मीन्स कि अब पेशेंट जो है क्रोनिक PID में चला गया है, मीन्स कि वहाँ पर अधियंस हो गई है, या हम बोल रहे हैं कि वो उसको मोस्टली पेशेंट जो है उस पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रही, तो होता यह है कि वो TOA में चला जाता है। तो होता ही है कि तब हम सर्जरी कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं कि ड्रेनेज ऑफ ट्यूबो ओवेरियन पेल्विक अब्सेस इन इज अप्रोप्रिएट इफ द मास परसिस्टेंट आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट द अब्सेस इज मोर देन 4 to 6 cm। तो जब अब्सेस 4 to 6 cm होता है तो उसको क्या करते हैं कि सर्जरी जो है प्रेफर करते हैं, ड्रेनेज कर लेते हैं ट्यूबरो ओवेरियन पेल्विक अब्सेस को, ठीक हो गया।
या जो मास जो है वो कल्डी सैक में हमने देखा था कि जो रेक्टम और उसमें यूट्रस के बीच में जो होता है तो उसमें ज्यादा है, तो उसको क्या करते हैं कि वो थ्रू द वजाइना ड्रेन कर लेते हैं। इफ द सेसेस डाइसेक्टिंग द रेट्रो वजाइनल सेप्टम एंड इज फिक्स टू द वजाइना मेम्ब्रेन कोलोपोटोमी ड्रेनेज इज अप्रोप्रिएट। स्टिल जो है पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो हम उसको लैप्रोटॉमी की तरफ ले जाते होते हैं, ठीक हो गया। देन उसके बाद जो है सर्जरी करते हैं TA@BSO। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आता है PID के MCQs में। तो होता ये हो कि जब हमारे पास पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, मीन्स कि जो अधीयन होती है, लाइसिस हो रही होती है, सारी जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो हमारे पास जो है ये ऑप्शन जो है लेटेस्ट लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो बचता है वो है हमारे पास टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी एंड बायलेटरल सर्पिंगोऑर्थराइटिस। तो इसमें जो है ट्यूब्स और जो है टोटल हिस्टेरेक्टोमी मीन्स के यूट्रस और सर्विक्स को काट देते हैं, निकाल देते हैं। हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मेन जो है अक्सर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू होता है फिट्ज़सिमन्स सिंड्रोम। तो ये है क्या, ये जो है लीवर के साथ रिलेटेड होती है, मीन्स के इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर कैप्सूल। इसमें जो है लीवर पैनकाइमा इन्वॉल्व नहीं होता और इसी के सिंड्रोम जैसे नजर आते हैं, मीन्स के उसमें जो एबनॉर्मल लीवर फंक्शन जो टेस्ट कराए वो रेज नजर आते हैं, और उसके बाद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन नजर आता है और उसमें शोल्डर पेन नजर आता है। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास आते हैं कि रिपीटेड एपिसोड जो इन्फेक्शन नजर आते हैं, क्रॉनिक पेल्विक पेन जो है वो बढ़ जाता है, डिपेरोनिया हो जाता है, मीन्स के जो है इंटरकोर्स में पेनफुल थोड़ा सा फील होता है, उसके बाद जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी नजर आती है, और इसके बाद जो इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट एपिसोड होता है तो उसके 10% चांसेस बढ़ जाते हैं, जब उसके सेकंड टाइम जो उसको PID होता है तो उसको 25% चांसेस बढ़ जाते हैं, थर्ड टाइम पे उसको 50% उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारे पास PID, और अगर हम डिफरेंस देखें हमारे पास अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो होता ये है कि हमारे पास जो एक्यूट PID है उसमें जो है म्यूकस डिस्चार्ज होता है और उसके बाद जो है टेम्परेचर जो है उसका रेज रहता है, बट जो अगर क्रॉनिक पेल्विक की बात करें PID की क्रॉनिकली, तो उसमें जो है म्यूकस डिस्चार्ज नहीं होता, टेम्परेचर भी इसका इतना रेज नहीं होता, और उसमें बस यही है कि हमारे पास बायलेटरल पेन जो है दोनों में होता है। तो दैट वाज द PID।